राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस जीवलोक से टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग में। बस तो सुबह से मौसम ने बिल्कुल धनतेरस की शॉपिंग का सारा काम बिगाड़ दिया ना, सारे बाजारों में और कीचड़ ही कीचड़। मैं तो अपना बस जरूर जरूरत का सामान लेके आई थी और ज्यादा कुछ नहीं। मैं कल देखेंगे कुछ लेना होगा तो। वेलकम बैक सभी को, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसम हो रहा है चेंज नहीं, बहुत चेंज हो रहा है, बादल हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक आध फुहार भी आई हुई है रात को, तो काला हो रहा है काफ़ी, बादल ज़्यादा हो रहा है। यूँ नहीं है थोड़ा, दिवाली पे पहली बार देखा है इस तरह का मौसम, यूँ बारिश से का। दिवाली के बाद तो देखा था, पर अगर होती है तो हो जानी चाहिए, क्यों पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक दिन होगा ना थोड़ी ही, बेशक बंद हो जाओ राम जी, थोड़ा बेशक बरस जाओ, दम घुटने वाला काम हो रहा है पोल्यूशन में। क्यों दिल्ली में तो कह रहे हैं, कल सफ़र में मैं थक गई थी तो इसलिए आज थोड़ा लेट आई थी। आज तो आधा घंटा मुश्किल से करी है, उठी हुई तो उसी टाइम थी, पर आने को दिल नहीं कर रहा था, बेड में से उठने को दिल नहीं कर रहा था लेटी हुई थी। सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके घर में खुशियाँ आए, तीज त्यौहार है, साल में एक बार आते हैं, हंसी खुशी से माने, बस यही दुआ ऊपर वाले से। अब लगाती हूँ मशीन जाकर ना कपड़े, क्यों कल थे नहीं तो कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बेटा भी लेके आया हुआ है तो लगाती हूँ एक बार। अब तो दो तीन दिन लगेगी, कल भी लगेगी, आ देती हूँ आले एक बार, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना काला हो रहा है, कैसे कैसे बादल हो रहे हैं। दिन में अगर बरस गया तो आज धनतेरस धरेगी धरे रह जाएगी, मार्केट में जाना काफ़ी बादल हो रहा है चारों तरफ, कहीं से यूँ नहीं है इस साइड में नहीं होगा। रात को आई हुई है एक आध फुहारी, पता लगने लग रहा है ना छत पर, जैसे मेरे यहाँ रखे होते हैं सामान तो उसके ऊपर 7:45 हो रहे हैं। फ्रंट कैमरे से वैसे साफ आता और बैक कैमरे से थोड़ा कड़ा कड़ा आता है, अंधेरा हो रहा है, वो नहीं है 7:45 हो रहे हैं तो बिल्कुल दिन निकलने वाला कुछ बादलों के कारण और कुछ वैसे। तो चलती हूँ अपना काम करें, देखी जाएगी बारिश आएगी, कपड़े भी धोने ज़रूरी हैं। यूँ करूँगी आधे धो लूँगी जितने स्टैंड पाएंगे, आधे फिर कल धो दूँ। वेलकम बैक। तो अपनी राजमा लग रही हूँ बनाने, कपड़े धोए आई थी, किस किस के बारिश आई, एक बार तो ऐसी मोटे मोटे बूंदे आई थी ना, अपना कपड़े सुखाए नहीं देंगे, फिर उधर सा तो गया फिर सा थोड़ा, पर बादल हो रहे हैं तो बारिश नहीं आई, दो चार आ गए ना बस, एक के दो मिनट आई थी थोड़ी सी मोटी मोटी ही तो बंद तो हो गया, धोबी निकली हुई थी पर इतनी धूप नहीं है, बादल है और सारे पंखे और सारी खिड़कियाँ सारी साफ करती, एक बार हाथ सा कल पेड़िया में वो निकाल दूंगी, कल निकाल लूंगी, आज तो नहीं, आज मार्केट जाना है और भी कई काम है। धोए कपड़े थोड़े धोए ना, यूँ लगे ना बस जितने तार पर हो आ जाए और फालतू के नहीं फैलाने पड़े, वो सूख जाए उन्हीं में और कल धो जाएंगे। मौसम ऐसा है, हो रहा है खराब का, बेटे की डिमांड भाई इतनी राजमा बना दी उसे सारा दिन खा लो, सारा दिन के लिए उसने मांगी थी कितनी बनाई हो, शाम तक चल जाए, यूँ नहीं है दोपहर को ही खत्म हो जाए चावल के साथ तो हो जाती है दोपहर को, पर कम होती है वो, आज थोड़ी ज्यादा बना दी फिर मैंने, और बिजली वाले ने मना कर दिया कल आएगा वो, आज धनतेरस के कारण उस पर टाइम नहीं होगा ना, लाइटें लुटें कहीं लड़िया लगा रहा होगा तो जी कल आपका टांग कर जाऊँगा जूमर, तो ऐसे मैं उसको खोल नहीं सकती, क्यों लाइटें लुटे टूट जाए रोड, उसके आने के बाद ही खुलेगा, आप कल वाली वीडियो में दिखाते हैं। वेलकम बैक। फिर से टाइम हो गया 12 बज गए हैं और पूरी थी बाजार जाने की तैयारी, काम सारा निपटा दिया मैं, चावल चूल बना कर नरिन के आ कर ना, फिर कुछ काम नहीं रहेगा, खा ही लेंगे, क्यों बेटे ने खाना है छोटे वाले ना राजमा चावल, तो चावल भी मैंने बना दिए थे और उसी को लेकर जाना चाह रही थी मैं साथ में। तो राम जी की हो रही है गरड़ परड़ गर्जने लग रहा है, अब मन कर रहा है अभी जाएँ या बाद में जाएँ, एक बार लेकर भी बारिश नहीं आ जाए तो भीग जाएंगे, और मेरा सबसे बड़ा वो हो रही है मुसीबत, मैंने दिए भी नहीं लिए हैं, सुबह जब वो दिए बेचने वाला आ रहा था तो मैं कपड़े धोने लग रही थी, वो ले लेती तो फिर तो और तो कोई भी काम था, वो शाम ने भी जाकर कर आते ले आते, बर्तन बर्तन पर पीढ़ी ही होएगी जितनी भी होएगी जब भी होएगी, और वहाँ मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होएगी इतना यूँ भी पता है, तो मेरे को यूँ लगता है एक बार देख लें अगर राम जी गरज रहा है तो उसका इंतज़ार कर लें बरसेगा या नहीं बरसेगा, तो गरज रहा है तो बरसे तो ज़रूर का, मौसम बिल्कुल काला हो रहा है। और ये मैंने पोट रख दिया है इधर, इसके पीछे एक तो इसमें डाल कर रख दिया है उधर से, एक तो ये इसके अंदर आ गया छोटे वाले में, तो और बड़े वाला उधर, बड़े वाले में यही इधर आया है, मैं यही देख रही थी स्टैंडों की ज़रूरत होएगी या नहीं होएगी, पर ये जो ज़्यादा बड़ा है उसमें ये साइज ऐसे ही आता है, एक बड़ा और एक छोटा, अगर दोनों साइज ऐसे होते ना तो फिर और सही रहता, फिर और अच्छे लगते, तो
तो इनमें जैसे मैं आज भी देख रही थी तो सारे यही है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये तो दोनों रख दिया उधर, अपना झूमर रखा हुआ है कलाओं का बिजली वाला, तो जब यहाँ अपना लटकवा देंगे जगह है तो सीनरी सैनरी कल ही ओपन होगी, वो जो भी आई हुई है तो कल ही खोलेंगे फिर उसको। तो यहाँ रखा हुआ है क्योंकि बिजली वाले पास टाइम नहीं है, वो लाइटें डूटे लगाने में बिजी है, तो लगा था कल सुबह छुट्टी दिवाली वाले दिन सुबह सुबह आ जाऊँ भाजी। दिखाती हूँ बाहर का मौसम बिल्कुल कैसे कड़ा होया खड़ा है, काला काला नहीं, बूंदाबांदी भी स्टार्ट होगी, बूंदे आने स्टार्ट होगी, तो अभी तो नहीं जा जाएगा, घर जा रहा था, इंतज़ार करते हैं देखते हैं, 2 बजे तक भी रुक गया तो फिर जाएंगे। अब धनतेरस की तो करनी ही पड़ेगी शॉपिंग। देखो भी मार्केट में कटमाचा पड़ा है, हाल कितना बुरा हाल हो रहा, पैर रखने की जगह नहीं। ये तो 2:30 बजे का टाइम है, रात को तो और ज़्यादा होनी थी, क्यों बारिश रुकी ही थी, हमने तो एक सीधी गली पकड़ी और अपना जाकर खरीद लिया फटाफट से। टाइम हो गया 4 बज गया, अब तो सारा दिन मौसम ने बूंदाबांदी रो, अब मार्केट से आई हूँ, बिकते तो गए थे माँ बेटा, फिर बीच में शुक्र है रुक गया ना, सारा दिन हो गया बूंदाबांदी हो रही है, स्कूटी पर वैसे गए, अब तो स्कूटी क्या पैदल भी निकलने का रास्ता नहीं है, थोड़ा आदमी ने मार्केट का दिखाया भी था, स्कूटी को तो गाड़ियों का तो कोई मतलब ही नहीं है निकालने का, क्यों हर कोई गाड़ी में ही जा रहा है बारिश का मौसम है, फिर स्कूटियों का बिल्कुल ही, स्कूटी तो फिर भी कहीं कहीं को, और पैदल भी कहीं आडा तिरछा हो कहीं यूं हो कहीं निकल जाता आदमी। घर में अपनी शॉपिंग कर ले आई हूँ, बर्तन में ले आई हूँ एक पतीला और 2 ये गिलास पीतल के, मेरे को अच्छे लगे थे, मेरे पास थाली और कटोरी है ना, मैं अब की बार गिलास ले आई पीतल में, तो अच्छा डिजाइन हाँ बनाया हुआ था इन पर, छोटे छोटे अच्छे हैं, मैं जब थाली और कटोरी हैं तो फिर एक गिलास और ले लेती हूँ, एक एक गिलास पूरा सेट सा हो गया अभी है मेरा, अच्छे लगे हैं ना पीतल वाले में भी ये चीज़ें रखी हुई। और एक ले आई हूँ पतीला 4 किलो के करीब ना, मैं यही पतीला में यूज़ कर रहा हूँ, तो बर्तन सही है था कुछ ना कुछ बर्तन में, फिर मेरे को यही ठीक लगे। और बापू के 3 बंदर, बुरा मत देखो बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, तीनों अच्छे लगे मेरे को। शोपीस में ना जगह खाली थी तो मैं इनको लेके आती हूँ, और मेरे पास थी गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति छोटी, तो अब की बार ये लेके आई हूँ बड़े वाली, कई सालों के बाद लेके आई हूँ, तो इसमें थी और भी बड़ी थी, फिर वो उससे ज़्यादा बड़ी तो फिर यूँ कह देते हैं ना मंदिरों में होना चाहिए, तो 11 इंच से ऊपर मैं नहीं लिया करती अपने मंदिर के लिए, 11 तक ही रखा करूँ, और अपने घर के मंदिर में उन्हीं भी कहते हैं इतनी ही चाहिए, और अपने दिए दाए झाड़ू झूड़ू जो भी चीज़ें थी वो सारी कुछ ले आए, और बेटे को चाहिए थी शर्ट, इसको शर्ट ले आई हूँ दिला दें, तो कल भी ये चंडीगढ़ भी देख के आया था पर इसको नहीं, इसको चमक वाली चाहिए थी कुछ चाहिए, तो ग्रीन कलर इसको अच्छा भी लग रहा था और चमक भी है इसमें, राकेश ने देखा था तो अच्छा लगा था, तो मैं अपनी आज धनतेरस की शॉपिंग कर लाई, और भीड़ का मैंने थोड़ा मार्केट का दिखाने की कोशिश भी करी थी, इस तरह ही हूँ बिल्कुल शेरी शेर चमक रहे हैं आटा आटे ना, बहुत बुरा हाल, कुछ चीज़ें तो मैंने इसे पापा के जिम्मा लगा दी है, मैं ये ले आऊँगी, उधर मार्केट में हमारे से गुस्सा नहीं गया तो मैं ये अपने आप ले आएंगे, अब मैं अपनी चाय बनाकर ना और पी लेते हैं। धनतेरस वाले दिन समोसे ला दिए, गरजने लग रहा है और बारिश फिर स्टार्ट हो रही है, 2 घंटा मार्केट गई तो जब रुक रही थी पर भीग गए थे जाते जाते, एक बार तो रास्ते में आ गई थी तेज ही, फिर रुक गई थी, अरे अब फिर स्टार्ट होगी और गरज रहा है बहुत तेज, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे दिवाली पर, दिवाली के बाद तो वर्षा करता पर यूँ दिवाली पर नहीं, धनतेरस वाले दिन समोसे बना दिया तो सारा दिन की जड़ी लगा रहा है राम जी। 5:30 होने वाले हैं, बर्तन बर्तन धो दिया, आटा बेया है, सब्जी बना दी, तो थोड़ी देर फ्री हूँ, तो ये रख दिए हैं बापू के 3 बंदर अच्छे लग रहे हैं, और इधर से फूल भी धोए पीछे ना कितने अच्छे लगे हैं इनका, मेरे अच्छा उतर जाता बैठ जाती हूँ मैं, बैठने के बाद देखते ना तो मेरे खड़े होने के बाद साफ होने के बाद बिल्कुल चमक जाते हैं, मिट्टी जम जाती है वैसे इन पर भी, धोते रहना चाहिए बीच में 5-6 महीने के बाद ना, तो आज बिल्कुल ही हो रहा जैसे नए लेके आए हैं, और बापू के बंदर भी अच्छे लगे, दिखा देती हूँ तीनों अच्छे लगे यहाँ पर बैठे हुए, बेटा छत पे गया हुआ है तो मैं भी छत पे जाती हूँ, बारिश आई हुई है तो एक आध गमला इधर उधर करना है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो करवा के आती हूँ एक बार उससे, दोनों को ही करना पड़ेगा ना उठा उठा के। राम राम, टाइम हो गया 7 बज गए हैं, अपना दीवा ला दिया, जो सामान लाए थे अपने उनकी पूजा पाजा हो गया, धनतेरस वाले दिन जो भी सामान लेके आते हैं और बार भी लाया है अपने जो भी एम का होता है, तो मेन गेट के ऊपर वो भी लगा दिया है एक, और एक तो वो दीपदान वाला तो चलता ही है कातक में, वो तो लगाती हूँ तो मैं डेली, वो तो लगता ही है अपने, इसे सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।